चिराग पासवान जी की माता जी को, रामविलास पासवान जी की धर्म पत्नी को जिस तरह गाली दी है उसका जवाब जनता देगी। आज हम समस्तीपुर और बेगूसराय जा रहे हैं नॉमिनेशन के अंदर, और इन दोनों सीट पर भी भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। शहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बड़ा बयान आया है। उन्होंने गिरिराज की तारीफ की है। आज चुनाव का पहला दिन है और चार जगहों चुनाव होना है, गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि पूरी मात्रा से हम लोग जीतेंगे। राजद जो है अब गाली गलौज पर उतर चुका है, उनका कोई कहना नहीं है। इसके साथ ही उनसे बोला गया कि क्या लगता है चौंका देने वाले रिजल्ट, बोल रहे थे तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि बिल्कुल चौंका देने वाले रिजल्ट आएंगे, बीजेपी ही जीतेगी, 400 पार होगा। क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन? सुनिए। पहले चरण के मतदान में अच्छी खबर आ रही है, माहौल साजगार है, हवाओं फिजाओं में मोदी मोदी गूंज रहा है, और पहले भी हम लोग जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। आज हम समस्तीपुर और बेगूसराय जा रहे हैं नॉमिनेशन के अंदर, और इन दोनों सीट पर भी भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे, और बिहार में 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। अब तो राजद के लोग गाली गलौज पे आ गए हैं। जब कोई कमज़ोर होता है तो गाली बकने लगता है, इसलिए गाली चिराग पासवान जी की माता जी को, रामविलास पासवान जी की धर्म पत्नी को जिस तरह गाली दी है उसका जवाब जनता देगी। हाँ, पिछली बार भी यही कह रहे थे और राजद को आया था 0, इस बार भी यही कह रहे हैं। पुराना बयान निकाल के देखिएगा, पहले भी कहते थे चौंकाने वाला, इस बार भी चौंकाने वाला नतीजा आएगा। राजद पिछली बार था 0, इस बार भी हो जाएगा 0। तो सुना आपने किस तरीके से शहनवाज हुसैन ने अपना बयान रखा और किस तरीके से अपनी बातों को बोल रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि चौंका देने वाला रिजल्ट तो तेजस्वी यादव के पास पहुंचेगा, बीजेपी 400 पार होगी। गिरिराज की भी उन्होंने तारीफ की, और उन्होंने ये बोला कि गिरिराज जी जीतेंगे और मैं वहाँ जा रहा हूँ, उनका स्वागत है, अगर वो यहाँ भी आते हैं उनका स्वागत है।